बेटा माइटोसिस पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैरियोकाइनेसिस हो गया था। कैरियोकाइनेसिस में हमने कहा था एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अभी ये क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस अभी अपीयर हो रहा है ओवल शेप में ऐसे, और यहाँ पर ER भी होते हैं ये हमने कहा, इतना हुआ था। प्रोफेज जब आती है बेटा, तो अर्ली प्रोफेज में हमने कहा था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगी और क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर ओपन हो जाएगा। कल हमने दो ही क्रोमोसोम बनाए थे और हमने चार चार दो जितने अभी बनो, ये क्रोमोसोम ओपन होकर के अलग अलग धागे के रूप में दिखाई पड़ेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व होने लगेगी, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगेगी और फिर ये ख़त्म हो जाएगी। ER भी ख़त्म हो जाती है लेट प्रोफेज में होते होते, अर्ली में भी था। अब लेट प्रोफेज जब होगा तो बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमोसोम में कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। सभी क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और ये बीच से फटे दिखाई देने लगते हैं इस तरह से, और एक जगह पर जुड़े दिखाई देते हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर। और ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं। फिर हमने कहा था इसमें सेंट्रियोल मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ से, ये अपोजिट पोल की तरफ से दोनों सेंट्रियोल आ गए, फिर यहाँ पे बेटा क्या बनने लगते हैं, स्पेंडल फाइबर, और ये क्या है, एस्टर रेज। ये हम लोगों ने देख लिया था, बहुत से यहाँ पर बनते हैं स्पेंडल फाइबर्स। फिर शुरू होती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो भी हो रहा है पूरे सेल में हो रहा है ना। अब ये स्पेंडल फाइबर्स बनेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ से स्पेंडल फाइबर बनेंगे और ये क्रोमोसोम जो है बेटा यहाँ पर अरेंज होंगे ऐसे, और काइनेटोकोर्स पर ये सेंट्रोमियर तो कुछ स्पेंडल फाइबर फ्री होंगे, कुछ स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़े हुए होंगे। अब बेटा जितने भी क्रोमोसोम होंगे, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो बना हुआ है यहाँ पर एक ही तरफ पे क्रोमोसोम अटैच है स्पेंडल फाइबर के साथ, ऐसा नहीं होता है। दोनों जैसे ये हमें थोड़ा सा हमें इधर बनाना चाहिए अलग, ये जो स्पेंडल फाइबर अटैच है ये क्रोमोसोम के दोनों तरफ से अटैच होगा, ये चीज़ ध्यान देना मेटाफेज में, जबकि हम माइटोसिस पढ़ेंगे तब। ये एक स्पेंडल फाइबर है तो एक तरफ काइनेटोकोर से अटैच है, दूसरे तरफ से भी एक स्पेंडल फाइबर दूसरे तरफ से काइनेटोकोर से अटैच होगा ऐसे। अब और क्रोमोसोम है अगर तो ये दूसरे स्पेंडल फाइबर से जुड़े हुए होंगे, इस तरह से होगा ठीक। ये मेटाफेज में होता है। मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम की एक्चुअल शेप दिखाई पड़ेगी, रियल क्रोमोसोम जो होंगे दोनों क्रोमेटिड जिनमें होंगे और सेंट्रोमियर काइनेटोकोर ये वेल डेवलप्ड आपको दिखाई पड़ेगा। कहाँ, मेटाफेज में आपको एल शेप में ऐसे, या वी शेप में यू शेप में क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे मेटाफेज में। फिर उसके बाद हमने कहा था एनाफेज आती है। एनाफेज में क्या होता है बेटा, एनाफेज में क्या होता है कोई बताए? हाँ, स्ट्रेचिंग शुरू होती है दोनों अपोजिट पोल से, और जब स्ट्रेचिंग शुरू होगी बेटा तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। कोहेसिन प्रोटीन के साथ जो दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए थे वो अब सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेटा पूरा क्रोमोसोम के दोनों जो दोनों क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अपोजिट पोल्स पे जाते हुए हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, एक एक क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसा ही होगा इस तरह से। फिर टेलोफेज में क्या होता है बेटा, टेलोफेज में ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और फिर से नेटवर्क बनाने लगते हैं, थिन हो जाते हैं और नेटवर्क बनाने, दोनों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, दोनों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है। अब बेटा देखते हैं कि एक सेल के अंदर हमें कितने न्यूक्लियस मिल जाते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, और ये बोथ न्यूक्लियस कैसे हैं, बिल्कुल प्रोफ जैसे शुरुआत में थे वैसे ही हो गए प्रोफेज की शुरुआत में। इंटरफेज में फिर जैसे अब ये न्यूक्लियस दोनों इंटरफेज में आ गए है ना,
अब बेटा क्या होगा, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के दो मेथड हैं। एनिमल सेल में, अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में देखो, यहाँ तक हमने केवल टीलोफेज तक देखा था, है ना। ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है और ये टीलोफेज है। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस अगर एनिमल सेल है तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो बनती है। ये सेल है, ये सेल ऐसे इन्हें इलोंगेट होगी और ये जो सेल है बेटा इन, अब इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल। यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, ये मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होगी, इनवेजिनेशन होगा अंदर, इसमें क्या होगा, इनवेजिनेशन होगा। और इनके ये दोनों न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लगेगा इनके चारों ओर। और ये जब फरो बन जाती है, इससे क्या बन जाती है, फरो बन जाती है ये, और ये इन्वेजिनेशन अंदर की ओर बढ़ता रहता है। ये इस तरह से धीरे 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 ऐसे देख रहे हो बेटा, दोनों में एक क्या है, न्यूक्लियस है, और फिर ये आपस में मिल जाएंगे ऐसे, और यहीं से डिवाइड हो जाती है और दो सेल बन जाती है, एक सेल ये बन जाएगी और एक सेल ये बन जाएगी। तो बेटा एक सेल से यहाँ पे दो सेल्स बनती हैं और दोनों में कितने न्यूक्लियस होंगे, एक एक न्यूक्लियस होगा, एक एक न्यूक्लियस होगा दोनों में, दोनों सेल्स में। तो ये माइटोसिस कंप्लीट। अब ये एनिमल सेल में हुआ है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा। अगर ये प्लांट सेल है तो यहाँ पर सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ है कि नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड सॉलिड नॉन लिविंग सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना बेटा। अब इसमें इन्वेजिनेशन तो हो नहीं सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी तो अंदर ये बाहर सेल वॉल है वो तो रिजिड है, इसलिए यहाँ पर बेटा एक सेल प्लेट बनती है। यहाँ पर क्या बन जाती है, सेल प्लेट बन जाती है, और सेल प्लेट के दोनों तरफ सेलुलोज एक्यूमुलेट होगा और फिर यहाँ से एक बन जाएगी सेल वॉल यहाँ पर और एक बन जाएगी सेल वॉल यहाँ पर। तो इस तरह से अब अंदर से सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी, अंदर से, तो यहाँ पे दो सेल यहीं से सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियस है। ये जो ये क्या बनी है बेटा, सेल प्लेट। बेटा सेल प्लेट कौन बनाता है, गॉल्जी बॉडी, कौन बनाता है, गॉल्जी बॉडी सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, और फिर यहाँ पर बेटा सेलुलोज का जाल बनेगा, सेलुलोज की मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी, उसमें प्रोटीन लिपिड ये बायो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे दोनों तरफ, और फिर ये एक जाल जैसे ये बन जाएगा, ऐसे जाल बन जाएगा बीच में, जैसे सरियों का जाल नहीं बनाते हैं, जाल। तो ये जाल जब बने उसी में मैट्रिक्स भर दी जाएगी, और मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, कुछ लिपिड्स होंगे, ये सब भर के, तो दोनों तरफ एक सेल वॉल बन जाएगी, ठीक। और इस तरह से यहाँ दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगी। अब एक सेल ये बन गई, एक न्यूक्लियस इसमें, और दूसरी सेल इधर ही बना दें, ये दूसरी सेल बन गई, इसमें भी एक न्यूक्लियस है। तो इस तरह से सेल डिवीजन हुआ है माइटोसिस में। पहले क्या हुआ बेटा, कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के दो मेथड है, एनिमल सेल में अलग है, प्लांट सेल में अलग है।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, इलास्टिन होती है, थिन होती है। उसमें इन्वेजिनेशन पॉसिबल है। इन्वेजिनेशन होगा तो फरो बनेगा, फरो बनेगा तो यहाँ से दोनों सेल अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी। लेकिन इसमें नहीं, इसमें अगर फरो बनता है तो सेल वॉल बाहर क्या है, रिजिड है, इसलिए यहाँ पर सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट बनाता है गॉल्जी बॉडी, ठीक है। और ये गॉल्जी बॉडी जब बनेगा तो ये सेल प्लेट बनाएगा, दोनों तरफ ये सेलुलोज एक्यूमुलेट होकर के मैट्रिक्स बनाएगा, उसमें उस जाल बनाएगा, जाल में मैट्रिक्स भरा जाएगा और फिर दो सेल प्लेट बनकर दोनों सेल सेल वॉल बन जाएगी दोनों तरफ, और फिर एक दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगी, फिर वो ग्रो होंगी, छोटी होंगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ग्रो होकर एक्चुअल साइज में आ जाती। तो ये तो है माइटोसिस। क्लियर है इतना? तो नोट कर लो, फिर इसको इरेज करें। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो सेल बन रही हैं, माइटोसिस होगा जब, तो एक सेल में माइटोसिस होगा तो कितनी सेल्स बनेंगी? एक मदर सेल है, एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी? टू डॉटर सेल्स बनती, ठीक है बेटा। एक मदर सेल है और एक मदर सेल से यहाँ पर टू डॉटर सेल्स बन रही हैं, तो बेटा डॉटर सेल्स में जो दो बनेंगी तो क्रोमोसोम नंबर में, इनमें जो न्यूक्लियस होंगे इनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम होंगे। अगर मान लो इसमें फोर क्रोमोसोम हैं, फोर क्रोमोसोम इसके न्यूक्लियस में हैं, तो इसके न्यूक्लियस में कितने होंगे? फोर फोर के दो दो, फोर फोर होंगे। तो देखा जाए तो टोटल एट क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो बेटा ये बाकी के चार क्रोमोसोम कहाँ से आए? जैसे चार कमरों का एक घर दो भाइयों में बट रहा है, तो दोनों को कितने कमरे मिलेंगे? चार चार के दो दो, बोलो। चार कमरे का घर है, दो भाइयों में बटेगा तो दो दो कमरे मिलेंगे ना, बाकी के चार। अब यहाँ पे देखो, चार कमरों का घर है और दो भाइयों में बट रहा, दोनों को चार चार कमरे मिल रहे हैं, तो आठ हो गए। तो बाकी के चार कमरे कहाँ से आए, बोलो जल्दी, कहीं से, वहीं से, कहाँ से? हाँ डिवाइड होंगे, तो डिवाइड ही तो करना है, इक्वली डिवाइड होंगे तो इक्वली बराबर बांट दो, एक दो दो बांट दो, बराबर बराबर क्यों? अभी पढ़ा है सेल साइकिल, जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था जब भी डिवीजन होगा उसके पहले एस फेज आएगी, और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, यानी जितने डीएनए का डुप्लीकेशन होगा फिर उनसे क्रोमोसोम बनेंगे। तो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे ना बेटा, मान लो यहाँ इस मदर सेल में चार क्रोमोसोम थे, तो जब ये सेल साइकिल में चल रही है और डिवीजन के पहले एस फेज आएगी, जब तक एस फेज नहीं आएगी बेटा तब तक सेल डिवाइड ही नहीं कर सकती। सेल डिवाइड तब तक नहीं कर, जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। जब एस फेज आएगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे, क्रोमोसोम बनेगा। अब जो तुम क्रोमोसोम ये देख रहे हो, हमने बताया था यहाँ पर एक क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हैं? टोटल दो क्रोमोसोम हैं, लेकिन एक में लगे हुए हैं ये। इनका डीएनए नंबर कितना है? 4C। अमाउंट ऑफ डीएनए को देखो, क्रोमोसोम नंबर देखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं एन। अब ये 2N है, कितना है ये? 2N। लेकिन ये इसमें डीएनए नंबर कितना है? 4C। अब देखो, ये एक क्रोमेटिड, ध्यान से देखना बेटा, एक क्रोमेटिड बना है, ये एक क्रोमेटिड है, तो इसमें डीएनए का अमाउंट कितना है? सी, 2C, 4C, कितना? 2C माने ये डीएनए, सी माने ये डीएनए, और 4C माने ये, तो 2C हुआ, और इसी में दो और स्ट्रैंड, तो ये जो दो और स्ट्रैंड हैं, अब ये 4C है, डीएनए का अमाउंट इसमें क्या है, इसको बाईवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट बोलते हैं। ये एक है, ये मोनोवैलेंट, इसमें एक सेट ऑफ डीएनए। अब डीएनए आधा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब सेंट्रोमियर हमने कहा था डिवाइड होगा, तो सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो आधा डीएनए चला जाएगा, डीएनए पूरा रहेगा। ये इतना जाएगा ना एक तरफ, और इतना जाएगा दूसरी तरफ, बोलो। तो इसमें भी डीएनए का पूरा डबल दोनों हेलिक्स हैं, है ना, डबल स्टैंड है, और ये जो है ये भी
डबल स्टैंड रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4c, जो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2c। लेकिन प्लॉयडी, अब ये जो जा रहा है नेक्स्ट सेल में, यहाँ पर केवल ये है, जो मदर सेल थी उसमें क्या था, जो ध्यान से देखना, जो मदर सेल थी उसमें ये था, तो ये इसको हमने कहा अब 2c, इसको हमने कहा 4c। प्लॉयडी बताओ, ये 2n होगा, ये नहीं, ये भी 2n ही होगा। n क्यों, क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमेटिड स्प्लिट भले हुआ है लेकिन यहाँ पे प्लॉयडी हम 4n नहीं कहेंगे, प्लॉयडी 2n ही है। क्रोमोसोम नंबर देख रहे, ये दोनों अंतर, जब हम C की बात करेंगे तो वहाँ पर देखा जाता है अमाउंट ऑफ DNA, लेकिन जब हम N की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखे जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर मदर सेल क्या है, मदर सेल क्या है बेटा 2N, जो डॉटर सेल्स बनी है वो क्या है 2N। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं हुआ है। अब ये सवाल हमने पूछा था कि दोनों में चार चार क्रोमोसोम, मदर सेल में भी चार थे, डॉटर सेल में भी चार आ रहे हैं, तो चार चार क्रोमोसोम दोनों में, तो बाकी के चार क्रोमोसोम कहाँ से आए, सिंथेसिस हुई है, बने हैं, बनाए गए हैं ना, रिप्लिकेशन हुआ है। क्लियर है बेटा, बैठो बेटा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो आगे देखो, कुछ फीचर्स हैं। अब देखो, हमने पूरी प्रोसेस समझ लेना माइटोसिस की, अब फीचर्स देखो इसमें क्या होगी, फीचर्स क्या होंगे इसके। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जब डिवीजन होगा तो मदर सेल और से जो डॉटर सेल्स बनेंगी, तो एक मदर सेल है तो इससे दो डॉटर सेल्स बनेंगी, एक मदर सेल से, ठीक है। पहला ये, वन मदर सेल गिव्स राइज़ टू डॉटर सेल आफ्टर डिवीजन। और जो क्रोमोसोम नंबर होंगे, जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल इन डॉटर सेल टू मदर सेल। दूसरा, तीसरी बात यह बेटा कि इसमें जब डिवीजन होगा तो ये डिवीजन सोमैटिक सेल्स में होगा, किस में होगा, सोमैटिक सेल्स में। चौथी बात यह कि बेटा जब ये डिवीजन होगा तब ये डिवीजन, दिस डिवीजन रिजल्ट्स इन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जरा ध्यान देना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये जो बात हमने लिखी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें अगर देखा जाए तो ये जो माइटोसिस है इज इट्सेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका हो सकता है। जैसे हमने कहा था ये अमीबा है और इस अमीबा में सेल डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन करने के बाद इसमें दो सेल बन जाएंगी, और जाहिर सी बात है दो सेल बनेंगी तो दोनों सेल क्या होंगे, अमीबा ही तो होंगे, तो एक से दो होना तो रिप्रोडक्शन है। कोई ऑर्गेनिज्म जब एक से दो हो जाए, यंग वंस को प्रोड्यूस करे, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर डिवीजन तो सेल का हो रहा है लेकिन यहाँ पर दो नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, इसलिए ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन में आप लोग ऐसे पढ़ोगे, अब पैरामीशियम में देखना, यूग्लिना में देखना, अमीबा में, बहुत से जो, अब कुछ में मल्टीपल फिजन भी होता है मोनोसिस्टिस प्लाज्मोडियम में, लेकिन इसमें आपको बाइनरी फिजन दिखाई पड़ रहा है। तो वहाँ अगर मल्टीपल फिजन है तो वहाँ पर भी क्या होगा, माइटोसिस ही तो होगा, लेकिन इतना फ़र्क है कि उसमें क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, और एक सेल के अंदर बहुत से न्यू, अभी जो कैरियोकाइनेसिस हुई दो बन गए, फिर कैरियोकाइनेसिस हुई चार बन गए, फिर कैरियोकाइनेसिस हुई
आठ बन गए, ठीक है, और इस तरह से बनते जाएंगे। तो अभी क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई इसमें, तो यहाँ पर अब क्या होगा, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, बाद में इंसेस्टमेंट हो जाएगा, सिस्ट बन जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अब जितने न्यूक्लियस बने हैं उतने नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे इससे, इसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन, ये बाइनरी फिजन है, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का। तो देखो इसमें क्या होता है, हमेशा देखना कुछ फीचर्स हैं इसके, एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स, दो, क्रोमोसोम नंबर दोनों में इक्वल, किस टाइप की सेल्स में होगा, सोमैटिक सेल्स में। इस ग्रोथ से क्या होगा, इस रिप्रोडक्शन से क्या, इस टाइप के डिवीजन से क्या होगा, ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और अगर ये डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ठीक, अलग तरह से हमने क्यों कहा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, मियोसिस, लेकिन गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होगा, गैमेट बन जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बनेगा। अब उस जायगोट में जब क्लीवेज होता है एम्ब्रियो बनाने के, तो फिर वहाँ पर फिर से क्या होगा, तब तो माइटोसिस ही होगा फिर से, तब मियोसिस नहीं होगा, क्लियर है। ये नोट करो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम आगे बढ़ें, इरेज करें। अब मियोसिस, जैसे हमने माइटोसिस की प्रोसेस समझी, उसके बाद उसके फीचर्स पढ़े, लेकिन अब माइटोसिस के फीचर हमने पढ़ लिए, तो साथ में पहले मियोसिस के फीचर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रोसेस। मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, इस वर्ड को याद रखना, आगे अभी हम पूछेंगे तुमसे रिडक्शन डिवीजन। इसकी प्रोसेस ये है कि अब पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये एक मदर सेल है, ये क्या है बेटा, मदर सेल है। एक मदर सेल के डिवीजन से, पहला पॉइंट है, एक मदर सेल के डिवीजन से कितनी डॉटर सेल्स बनती है बेटा, देर आर फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द मियोसिस फ्रॉम वन मदर सेल। अब इसका ये जो प्लॉयडी थी, ये क्या थी बेटा, 2n, ये कैसी हो जाएगी, यहाँ पर बेटा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, जैसे माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था, माइटोसिस में एक क्रोमोसोम मदर सेल में चार बनाए थे, तो डॉटर सेल में भी चार क्रोमोसोम आए थे, यहाँ पर अगर इसमें चार क्रोमोसोम है तो इसमें कितने आएंगे, दो दो आएंगे, दो दो, चार क्रोमोसोम अगर मदर सेल में है तो डॉटर सेल में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, टू क्रोमोसोम इन ईच सेल्स, टू क्रोमोसोम इन ईच सेल, कहने का मतलब है 1/2 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही है कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ, घटकर कितना हो जाएगा, आधा हो जाता है इन डॉटर सेल्स, मदर सेल के मुकाबले में डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर घट जाते हैं, और कितने रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं, ठीक है। तीसरा, ये किस तरह की सेल्स में होता है बेटा, ये जर्म सेल्स में होगा, जर्मिनल सेल्स में होगा, या सेक्स सेल्स में होता है, इसका रिजल्ट मियोसिस रिजल्ट इन गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट क्या है बेटा, गैमीट हैप्लॉयड सेल्स हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म करती है ये, इसके डिवीजन से क्या होगा, हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो क्या बेटा, ये जो मियोसिस है, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मियोसिस जरूर देखने को मिलती है ना। अब देखो जैसे गैमीट बनते हैं, आपने देखा ये एक सेक्स सेल है कोई बेटा, और ये अब एक मेल गैमीट बनाएगी और एक फीमेल गैमीट बनाएगी, एक ही बाईसेक्सुअल है मान लो, अगर अगर ये बाई पोटेंशियल सेल है तो, नहीं तो अगर अलग अलग है मेल में तो एक मेल बनाएगी एक फीमेल बनाएगी, जैसे भी होगा दोनों होंगे तो ये एन ही ना, ये 2N, तो ये कैसे हो जाएंगे दोनों गैमीट, N हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गैमीट बनाते समय होता है, लेकिन कभी कभी किसी सेल समय जो मेन बॉडी एडल्ट बॉडी होती है वो खुद N होती है, जैसे आपने देखा होगा एल्गी में होता है ना बेटा, ये कैसी होगी, N होगी। अब इसमें जब गैमीट बनेंगे तो ये कैसे बनेंगे, N की 2N, N या 2N, N गैमीट हमेशा N होंगे। अब वो अलग बात है कि ये भी N है, अगर ये N है तो यहाँ पर मियोसिस नहीं होगी, क्या होगी, माइटोसिस होगी। फ्यूज़न के बाद यहाँ यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट कैसा बनेगा, जायगोट तो 2N ही बनेगा ना, जायगोट 2N बनेगा, तो फिर यहाँ पर ये N, इससे ये जो एडल्ट फिर से बनेगा वो कैसा होगा, नया एडल्ट, क्या वो 2N हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो 2N होता ही नहीं, वो तो N होता है, तो मियोसिस यहाँ पर होगा। बात समझे कि नहीं, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि मियोसिस इज ऑफ टू टाइप, मियोसिस दो तरह की होती है, ये जो मियोसिस हो रही है इसको हम बोलेंगे जायगोटिक मियोसिस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, जायगोटिक मियोसिस, और दूसरी होती है गैमेटिक मियोसिस। बात समझे कि नहीं, मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, हैप्लोइड सेल्स बनेंगे इससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। अब मियोसिस दो तरह की होती है, अगर ये डिप्लॉयड सेल में हो रही है तो गैमीट बनाएगी मियोसिस, अगर हैप्लोइड सेल में हो रही है तो ये गैमीट बनाते समय तो होगी नहीं, ये जायगोट बनने के बाद होगी, इसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस और जायगोटिक मियोसिस जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर प्लांट्स में देखते हैं, हायर प्लांट्स में देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि गैमेटिक मियोसिस होती एल्गी में, हैप्लोइड प्लांट्स में, एल्गी क्या होता है, हैप्लोइड होता है ना, उनमें ये गैमीट में कैसे समझ नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, उसके बाद ये होता है, उसको जायगोटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। 7 नंबर इसके फीचर में, इसमें बेटा होता है क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू जेनेटिक एक्सचेंज एंड दिस लीड टू जेनेटिक वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा मियोसिस होगा, मियोसिस जब भी होगा क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा जेनेटिक चेंज आएगा, जेनेटिक चेंज आएगा तो जेनेटिक वेरिएशन से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आएगा तो स्पीसिएशन होगा, नई जाति बनेगी, नई जातियाँ बनेंगी, और नई जातियाँ बनेंगी तो उससे क्या होगा, नई जातियों से क्या होगा, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होगा, जैव विकास होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। एक चीज और, 8 नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं, ये मियोसिस जो है बेटा ये माइटोसिस से थोड़ी सी बड़ी होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है और थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस वजह से मियोसिस टू टाइम्स में कंप्लीट होती है, मियोसिस कंप्लीट इन टू टाइम्स, ये नोट कर लिया हो तो मैं इरेज करें थोड़ा सा, ये इधर का मियोसिस कितने टाइम्स में कंप्लीट होती है बेटा, टू टाइम्स में कंप्लीट होगी, एक को हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट और दूसरे को बोलेंगे मियोसिस सेकेंड, ठीक है।
मियोसिस फर्स्ट जो होती है ये थोड़ी सी और इसमें यही कॉम्प्लेक्स होती है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड नॉर्मल होती है, एग्जैक्ट कैसी होगी, एग्जैक्ट माइटोसिस की तरह होगी जैसे अभी हमने इसको पढ़ा था। ये थोड़ी सी अलग होगी मियोसिस, और ये कैसी होगी, इसमें प्रोफेज बहुत लॉन्ग होती है और ये फाइव सब फेजेस में डिवाइड होती है। प्रोफेज कैसी होती, लॉन्ग होती है और फाइव सब फेज में डिवाइड होती है। ये प्रोफेज फर्स्ट की बात हो रही है, देखो इसमें प्रोफेज फर्स्ट होगी, इसमें प्रोफेज सेकंड होगी, इसमें मेटाफेज फर्स्ट होगी, इसमें मेटाफेज सेकंड होगी, इसमें एनाफेज फर्स्ट होगी, इसमें एनाफेज सेकंड। अभी वो मियोसिस सेकंड है तो मैं सब सेकंड ही सेकंड होगा ना। अब इसमें इसको फाइव सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये फाइव टाइप्स में इसमें डिवाइड होती है। और क्रॉसिंग ओवर यहाँ को, यहाँ पर आपको पैकेटीन में देखने को, यह जो हम प्रोसेस अभी देखेंगे ना बेटा तब ये सारी बातें क्लियर होगी। अभी तो केवल इसके फीचर्स बता रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर होती, ये दो पार्ट्स में होती है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पहले में कि दूसरे में, फर्स्ट में कि मियोसिस सेकंड में, मियोसिस फर्स्ट में होता है। हम जो प्रोसेस देखेंगे तो वहाँ पर आप समझेंगे इसको, मियोसिस फर्स्ट में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। तो बेटा माइटोसिस के कंपेरिजन में मियोसिस ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंट, ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन आते हैं तो क्या होगा, नई स्पीसीज बनती है और फिर इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज मोस्ट एसेंशियल डिवीज़न। अब हम देखते हैं बेटा इसकी प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब ये सब फीचर्स हमें समझ में आएंगे ठीक से, है ना।